Hi guys, welcome to Diva Mantra. This is Divya, your host for this channel, and this is my first reaction video for this year. I will start with Jhingur. Yes, this reaction is on Jhingur. मिलती हूँ आपसे एक छोटे से intro के बाद. तब तक अगर subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe कर लीजिए. बाद में अगर video अच्छा लगे तो like कर दीजिएगा. चलिए मिलते हैं. बैक. और कैसे हैं आप सब? कैसा था आपका नया साल? मेरे बहुत सारे फेलो यूट्यूबर्स एंड मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को लगा था कि झिंगुर को मैंने भुला दिया है. जी नहीं, बिल्कुल नहीं भुलाया था. झिंगुर इग्नोर मोड पे था, लेकिन R&D पूरा प्रॉपर मेरा चालू था झिंगुर के ऊपर. जी हाँ, चालू था. मैं लगातार देख रही हूँ कि झिंगुर की एक्टिविटीज क्या हैं. आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि झिंगुर कौन है, प्लीज़ हैशटैग चेक करिए. ओके, और नाम किसी का नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि हम नाम लेते नहीं हैं. हमें नाम लेना ही नहीं है किसी का, हमें अपनी बात रखनी है बस. ओके, स्टार्ट करती हूँ. झिंगुर, तुमसे बात कर रही हूँ आज. मैं पूरी तरह से बात तुमसे करूँगी आज. तो अगर आपको लगता है कि आपको मैं भुला चुकी हूँ तो ये गलत है. मैं लगातार आप क्या करती हैं छुप के सब देखती रहती हूँ. आप लोगों को लगा होगा मैंने एक रिएक्शन दिया. मैंने काफ़ी सारे यू नो वीडियोस बनाए थे झिंगुर के ऊपर, एंड मैं झिंगुर के डॉक्टर्स से भी बात की, उनसे बात की, और मैंने आप लोगों को प्रूफ भी दिए हैं. क्योंकि डॉक्टर्स ने सिर्फ मुझे इतना ही बोला है कि ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्ट्स रीड कराने और ये पूछने, कंसल्ट करने बेसिकली, कि इसका क्या ऑप्शन है. राइट, सारे डॉक्टर्स ने मना कर दिया, बट इन्होंने जिन बड़े हॉस्पिटल्स का नाम लिया है वहाँ पे इनका इलाज कतई नहीं हुआ है. इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया है कि इनकी डिलीवरी कहाँ पे हुई थी, क्योंकि ना ही इनका कोरोना टेस्ट हुआ था. इनको एक घंटे के अंदर डिस्चार्ज कर दिया था हॉस्पिटल ने, इवन दो शी वॉज गोइंग थ्रू अ क्रिटिकल प्रेगनेंसी, सो विच इज नॉट एक्सेप्टेबल. तो इतना केयरलेस तो कोई हॉस्पिटल नहीं होता. वैसे मैंने आपको इग्नोर मोड पे इसलिए डाला था क्योंकि मैं चाहती थी कि आपके अंदर थोड़े से सुधार आ जाएं. आप लोगों को याद होगा कि इनका जो वीडियो एक ट्रेंडिंग में गया था, जिसके ऊपर मैंने रिएक्शन दिया था, जहाँ पे मैंने ये बोला था कि इतनी क्रिटिकल प्रेगनेंसी को, या आपका अगर बेबी ठीक से फॉर्म नहीं हो रहा है, डिसेबल्ड है, तो उस चीज़ को, उस पॉइंट को सोशल मीडिया पे बेचना बंद करो. उसके लिए तुमने जो कफन रेडी किया है वो सोशल मीडिया पे दिखाना बंद करो. तो झिंगुर बोलता है कि हमें बहुत सताया गया. आपको किसी ने नहीं सताया मैडम, आपने सबको सताया है. आपने बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज को डराया है, सताया आपने है लोगों को. ठीक है, तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि आप बहुत भोली हैं, बहुत भाली हैं, बहुत बच्ची सी हैं. ना, ग्रो अप. यू आर प्लानिंग फॉर अ बेबी, ग्रो अप. आप बच्ची नहीं है. ठीक है, दूसरी चीज. तो ये मेरा रिएक्शन था. इसके बाद मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसे लगा बड़े गंदे हैं इनके सब्सक्राइबर जो यहाँ पे आके कमेंट करने लग जाते हैं. ठीक है, तब से मैं नज़र ही रख रही हूँ सिर्फ जो इनका वीडियो ट्रेंडिंग में गया था. उसका जो क्या कहते हैं टाइटल था, वो था बेबी बॉय था जो नॉर्मल डिलीवरी से हुआ. बेबी बॉय था, ये जो तीन शब्द है ना, इन्होंने इतने बढ़िया से कैश करने की कोशिश की है कि आप लोग को बिलीव नहीं होगा. यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगाऊंगी इनके. करवा चौथ, दिवाली, हम हिमाचल गए, हम यहाँ लंच करने गए, डिनर करने गए, ऐसे बहुत से वीडियोस हैं जिसमें बाद में इन्होंने वो टैग लगाया. अब वो टैग इन्होंने क्यों लगाया, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेबी बॉय था का टैग आप बार बार क्यों लगाती हैं? आप लोग अगर कहते हैं कि हम लोग आपका नाम लेके ब्ला 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 व्यूज पा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ये क्या है? बेबी बॉय था, इसका टैग आप क्यों लगाती? ताकि जिन लोगों ने वो वीडियो देखा था वो वापस आपके वीडियोस देखें. राइट, इजंट इट? ऐसे ही तो टैग्स काम करते हैं ना. तो आप कब से लगाती चली आ रही हैं और मैं कब से आपको इग्नोर करती चली आ रही हूँ? बिकॉज आई एम ट्राइंग टू फाइंड सम गुड थिंग्स इन यू. आप मुझे फनी लगने लगे, लेकिन जब भी मैं वो टैग देखती हूँ ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है. मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मुझे इतना पता है कि आप ये काम व्यूज के लिए करती हैं. आप चाहती हैं कि लोग आपको देखें और आपका दुखड़ा सुने.
और आपके हर वीडियो के लास्ट के 2 मिनट में दुखड़ा होता है। आप कहती हैं कि आपके पास आपके बेबी की फोटो है जो कि 19 वीक्स का था एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लेकिन आप वो अपने सब्सक्राइबर्स को नहीं दिखा सकती। नाउ टेल मी समथिंग वेरी क्लियरली हियर, जब आप इतना सफर करने के बाद उस फोटो को डेली देख सकती हैं, आपके हिसाब से वो फोटो में वो बेबी सरवाइव नहीं किया था आपका बेबी, राइट? तो जो फोटो है वो एक डेड बेबी की है, राइट? आप इतना सफर करने के बाद जब अपने बच्चे की फोटो देख सकती हैं, तो आप सब्सक्राइबर्स को ये क्यों कहती हैं कि आप लोग नहीं देख सकते? आप इतनी बड़ी हो चुकी हैं, आपके अंदर इतनी अकल होनी चाहिए कि आपके घर में जो 2 छोटे बच्चे आते हैं, शायद आपके ऊपर रहते हैं, अगर आपके ऊपर वाली अगर मेरा ये वीडियो देख रही है, तो मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी, ज़रा संभल के, क्योंकि आपके 10 साल के और आपके जो भी छोटे बच्चे हैं उनको ये वो फोटो दिखाती हैं और पूछती हैं कि कैसा था देखने में, ताकि ये सही प्रूफ हो जाए सोशल मीडिया पे कि सब कुछ सच सा देखो। अब तो बच्चा भी बोल रहा है कि मेरा बेबी मेरे जैसा दिखता था। एक चीज़ बताना चाहूँगी आपको मैं जिंगुर जी, कि हम सब मानते हैं कि बच्चे झूठ नहीं बोलते, बच्चे हमेशा सच बोलते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बच्चे एक प्लेन स्लेट की तरह होते हैं। आप उनके ऊपर जो लिख देंगी ना, वही नज़र आएगा दुनिया को। वो एक खाली घड़े की तरह होते हैं, जो भर देंगी ना उनके अंदर से वही निकलेगा। तो हम सबको पता है कि उस बच्ची को ट्रेनिंग दी गई थी कि आपको ऐसा बोलना है कि आपका बेबी आपके जैसा लगता था। एक 10 साल के बच्चे को इतनी समझ होगी कि एक 19 वीक्स का जो बेबी है उसके फीचर्स किसके जैसे हैं, उसकी आंख किसके जैसी है, उसकी नाक किसके जैसी है, उसकी कान किसके जैसी है। जिस एज में उस बच्चे को पढ़ना चाहिए, उस एज में वो एक बच्चे की फोटो देख के एक माँ को ये बोलेगा? आई डोंट थिंक सो। और रही बात इन सब की, इसके अलावा ये हैं जो झिंगुर जी, ये चाय की बड़ी ज़्यादा ही प्रेमी हैं, तो ये उन छोटे बच्चों को कैफीन की डोज बराबर देती हैं। आए दिन उनसे पूछती रहती हैं चाय पियोगे, चाय पियोगे, चाय पियोगे। चाय पीना इज़ नॉट गुड फॉर किड्स। हमारे घर में और बहुत से घरों में इतने छोटे बच्चों को चाय ऑफर नहीं की जाती। आप तो बड़े खुले आम बच्चों को चाय का एडिक्शन लगा रही हैं। चलिए लेट्स गेट बैक टू योर बेबी। आप बोलती हैं कि मेरे पास बच्चे की फोटो है। मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी कि कभी एक छोटे बच्चे को, जो मतलब बहुत ही छोटा हो, जस्ट न्यू बॉर्न हो, न्यू बॉर्न इज द राइट टर्म, कभी गोद में लेना, ठीक है, गोद में लेना, और उसके बाद आपसे ऐसे वीडियोस बन पाए तो बनाना। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक बच्चे को कभी गोदी में उठाया है तो आप ऐसे वीडियोस बना पाएंगी। आपके अंदर हिम्मत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बिल्कुल नॉर्मल हो गई। ये सब होने के बाद आपका घूमना फिरना, टंकी भी नहीं लगवाई आपने उसके नाम की। टंकी लगाएंगे हम, कहाँ है टंकी? कुत्ते ने आपको इशारा किया था कि टंकी उसके घर में 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है, वहीं उसी के घर में लगवा दो जाके एक टंकी। जो बोला वो तो करो। और कहती हैं कि आएगा वापस आएगा। आपको पता है वो क्या है? वो सुरूर बनाया जा रहा है season 2 के लिए। तो अगर आप season 2 स्टार्ट करने के मूड में हैं, तो एक ही रिक्वेस्ट है कि season 2 माइंड इट, 1 या 2 वीडियो आप अपने सब्सक्राइबर्स को गुड न्यूज दे दीजिए एंड दैट इज इट। देयर इज नो नीड टू शेयर योर एक्सपीरियंस ऑन सोशल मीडिया कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिकॉज आपको जब भी आप लोग प्रेगनेंसी के ब्लॉग्स डालना चालू करते हैं, बहुत सारी प्रेग्नेंट लेडीज आपको देखती हैं और वो आप लोगों के मिस हैपनिंग से, जो कि सिर्फ डॉलर के लिए होती है आप लोग की प्रेगनेंसी, उससे डरती हैं। ये कहती हैं कि हमारे ऊपर लोगों ने मुझे बहुत सताया, मुझे इतना ट्रोल किया। मैडम, आपको ट्रोल किया ठीक है, आपने कितनी लेडीज को डराया कभी आपने सोचा है? कभी आप लोग सोचती हैं? नहीं सोचती, क्योंकि आप लोग का पैसा निकलता है ये सब बना के। तो आप लोग क्यों सोचेंगी कि एक प्रेग्नेंट लेडी है, वो आपको देख रही है ये देखने के लिए कि उसके सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं तो आप क्या करती हैं, शायद वो भी ये कर सके। बट आप लोग की तो हमेशा गुड न्यूज बैड न्यूज में बदल जाती है। होता क्या है, जो प्रेग्नेंट लेडी आपको देख रही थी वो घबरा जाती है, वो डिस्ट्रेस में आ जाती है। आप लोग डिप्रेशन क्यों बेच रहे हैं? आप लोग डिप्रेशन क्यों फैला रहे हैं सोसाइटी में ऐसे ऐसे वीडियोस बना के? आपके घर में गुड न्यूज़ है तो आप अपने पास रखिए ना। अगर आपको अपने सब्सक्राइबर के साथ, आपको अपनी YT फैमिली के साथ शेयर करना है तो एक वीडियो बना दीजिए, इट विल बी मोर देन इनफ। क्यों बार बार ये हो गया वो हो गया मेरे साथ?
और उसके बाद छोटे बच्चे को लेकर के आप वो एक 10 साल की बच्ची को आप एक डेड फीटस का फोटो दिखा रही हैं। आई एम रियली सॉरी टू यूज दिस टर्म फॉर योर बेबी बट उसको यही कहते हैं आई एम रियली सॉरी, बट आप एक 8 या 9 साल की बच्ची को ऐसा फोटो दिखा रही हैं जो आपको नहीं दिखाना चाहिए। पहले थोड़ी सी ममता अपने अंदर जागृत करिए, क्योंकि इस वक्त आपके अंदर है नहीं, क्योंकि शायद आपने कभी किसी न्यूबॉर्न को गोदी में नहीं उठाया है। अगर उठा लेंगी ना एक बार तो अपने आप शायद ऐसे वीडियोस बनाना बंद कर दें। हम सब समझ सकते हैं कि आपको याद आती होगी, बट याद आती है तो उस याद में घूमना फिरना, मैगी पॉइंट जाना, खाना खाना, ट्रैवलिंग करना, पार्टी करना, शादी में जाना, जिसको याद आती है ना वो ये सब नहीं कर पाता है, चाह के भी नहीं कर पाता है। जिसके अंदर एक बार ममता जाग जाती है वो ये सब नहीं कर पाता है। आपके अंदर वो चीज़ नहीं है, उस चीज़ को डेवलप करिए ना, आपके साथ मैजिक होगा, आपको जो चाहिए वो अच्छा होगा आपके साथ। लेकिन इस चीज़ को पहले आप बेचना बंद करिए, ये बहुत ही गलत कर रही हैं आप। आपके कल के वीडियो से, कल या परसों का जो वीडियो जिसमें उस बच्ची ने, 8 साल की बच्ची ने बोला है कि आपके जैसी नाक थी, आपके जैसा कान था, वो सब भरा हुआ था उसके अंदर, आपने वीडियो बनाने के पहले फीड किया था उसके अंदर, ठीक है। ये हमें भी समझ में आता है कि 8 साल की बच्ची को इतनी अकल नहीं होती है कि एक इतने छोटे से बच्चे का फोटो देख के बोले इसकी आंख आपके जैसी, इसकी नाक आपके जैसी है। अरे कैसी दादी अम्मा जैसी बातें सिखाई हैं उसको, उसके अंदर का बचपना मत मारो, उसको बच्चा रहने दो, ठीक है। तो ऐसी चीजें मत करिए कि लोग अपसेट हो आपके उस पर्टिकुलर वीडियो के उस पार्ट से, बहुत लोग अपसेट हुए हैं। झिंगुर जी सुधर जाओ, सुधर जाओ। तुम कार्टून आप हो, आपकी हरकतें कार्टून जैसी हैं, तो इसलिए आपको लोग कार्टून कहते हैं। मैं आपके अंदर अच्छाई ढूंढती हूँ, लेकिन आप अंदर अंदर बीच में आके कुछ कीड़ा कांड कर देते हो। आप यूज करते हो टैग बेबी बॉय था, आप बच्चे को लाके बोलते हो कि उसके जैसी नाक थी, उसके जैसी आंख थी। आप हर वीडियो में एंड में ये रोना रोते हो कि मेरे को उसकी बड़ी याद आती, मेरे को, वी ऑल नो कि अगर वो था, जो कि आई डाउट, आई रियली डाउट, आपको उसकी याद आती होगी, लेकिन मैच नहीं होती आपकी चीजें, मैच नहीं होती हैं। एक तरफ एक औरत घूम रही है, फिर रही है, मौज कर रही है, दूसरी तरफ वो लास्ट में 2 मिनट वीडियो में डाल देती है कि मेरे को उसकी बड़ी याद आती है, सिंपैथी गेन करने के लिए। नहीं आती आपको याद, और जब आप यूं बाल झटका झटका के गाड़ी में नाचती तब आपको याद नहीं आती है। आप लोग सिर्फ लास्ट के, आप तो स्पेशली आप लास्ट के 2 मिनट में यह बोल के कि मुझे उसकी याद आती है फुटेज खा रही हैं, तो ये फुटेज खाना बंद करिए। एक अच्छी माँ ऐसी नहीं होती झिंगुर, ऐसी नहीं होती। एक अच्छी माँ अपने बेबी के फोटो को लेकर के डेली कंटेंट बनाना, डेली ये डालना, करवा चौथ के व्लॉग में डालना बेबी बॉय था, ऐसे ऐसे मतलब हैप्पी व्लॉग्स के अंदर आप ये सब डालते हो, जिनके अंदर आप ये चीजें मेंशन भी नहीं करते। आप डॉलर के लिए नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ डॉलर के लिए काम कर रहे हो। आप और आपके जैसे जितने लोग इस प्लान में है ना, आप थोड़ा सा आप लोग कंट्रोल में रहिए। स्टॉप स्प्रेडिंग डिप्रेशन अमंग योर सब्सक्राइबर्स, अमंग प्रेग्नेंट लेडीज। प्लीज उन लोगों को बख्श दो, बहुत से सब्सक्राइबर्स आपको देखते हैं ये सोच के कि उनके सिम्टम्स आपसे शायद मिलते होंगे, लेकिन उन बेचारों को या बेचारियों को ये पता नहीं होता है कि आपके साथ मिस हैपनिंग ही होने वाली है, बिकॉज आपको डॉलर चाहिए, आपको ट्रेंडिंग में जाना है, ये एक स्कैम है। इसको बंद करिए आप लोग, एकदम बंद कर दीजिए इसको आप लोग, और दोबारा season 2 प्लीज डोंट इवन थिंक अबाउट इट। आप बहुत जरूर बांध रही हैं, मैं देख रही हूँ काफी दिनों से आपका चल रहा है कि मेरा बेबी वापस आएगा। वी ऑल वॉन्ट कि वो आपके पास वापस आए और अच्छे से वापस आए, लेकिन आप थोड़ा अपने अंदर सुधार करिए। आप पहले अपने अंदर थोड़ी ममता जागृत करिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर ममता जागृत नहीं होगी आपका कुछ नहीं होने वाला है। मार्क इट, मार्क माय वर्ड्स, छोटे जो 2 बच्चे आते हैं आपके घर में, उनके साथ आप खेलती हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, उनको कैफीन का डोज देना बंद करिए, उनको ऐसी ऊटपटांग चीजें सिखा करके अपने ब्लॉग्स में बुलवाना बंद करिए, बिकॉज बहुत सारे लोग आपसे अपसेट हैं। और ये एक रिक्वेस्ट है या वार्निंग है, यू वांट टू टेक इट लाइक दैट, कि अगर आपने season 2 किया तो मेरा रिएक्शन आएगा और इसके बाद रिएक्शन के साथ एक्शन भी आएगा। आपके लिए इतना ही, आई अप्रिशिएट कि आप फिल्टर यूज नहीं करती। फिल्टर वाला जूजू बहुत तिल मिलाया हुआ है, ट्रस्ट मी गाइस, फिल्टर लगाने नहीं मिल रहा ना आजकल,
असली शक्ल दिख रही है। आज जूजू फेक आईडी से मेरे चैनल पर आके मुझे धमकी देके गई है कि वो मेरा चैनल बंद कराएगी। मैं कहती हूँ कि भाई आपको जो करना है आप करिए, ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे आके सिर्फ ना भोकाल बन के मत जाइए, वो मुझे पसंद नहीं है। और बाकी आपकी लैंग्वेज बहुत गंदी है, बहुत ही गंदी है, और मुझे पता है कि आप कौन है, वो आईडी कहाँ से बनी है, किस फोन से ऑपरेट हो रही है। प्लीज बी वेरी केयरफुल, जब फेक आईडी से भी यहाँ पे आके कमेंट करते हैं ना, अपने वर्ड्स को थोड़ा सा माइंड करिए। आपको अभी मैं इससे ज्यादा फुटेज नहीं दूंगी क्योंकि मुझे आपके प्लान्स पता है। लगे रहो जोर जोर से लगे रहो। गाना सुनोगे? सारी रात जूजू के साथ, मोटू के साथ, झिंगुर के साथ हम क्या करेंगे, हवन करेंगे। जूजू को स्वाहा वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है, तो कम्युनिटी पोस्ट पे आपका जब मन करे आके स्वाहा टाइप करके जाइए, ठीक है, क्योंकि जितने भी फ्रॉड चैनल हैं सबका स्वाहा करना ही पड़ेगा। बहुत हो गया आज के लिए, इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करिए। कमेंट सेक्शन में गाली मत देना, ठीक है ना, गाली मत देना। चलो बाय, टेक केयर एंड हैप्पी न्यू ईयर।